Exercise 7.6, problem number 1. So students, in both problem number 1 and problem number 2, you have to multiply, आपको multiply करना है. यहाँ पे देखिए, problem number 1, problem number 1, part 1. The problem is 3 into 1 upon 2. इसको students आपको solve करना होगा. तो इसको solve करने के लिए आप क्या करिएगा कि लिख दीजिएगा 3 into 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, यही आपका आंसर होगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम आइए, 5 इंटू 3 अपॉन 4, 5 इंटू 3 अपॉन 4. सो इफ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देन यू विल मल्टीप्लाई 5 विद 3 अपॉन 4, 5 3 जा 15 अपॉन 4. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, कम टू प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 2 पार्ट 1, 5 अपॉन 9 इंटू 3. सो इसको भी आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, 5 इंटू 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 15 अपॉन 9. अब 3 की टेबल पढ़ के इसको रिड्यूस कर देंगे, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 5 अपॉन 3 आपका आंसर आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट कम टू प्रॉब्लम नंबर 2 पार्ट 2, 3 अपॉन 4 इंटू 16, 3 अपॉन 4 इंटू 16. तो आपको क्या लिखना होगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 16 अपॉन 4, 48 अपॉन 4. तो आपके पास कितना आया, 48 अपॉन 4. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 48 अपॉन 4 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो उसको आप डिवाइड कर देंगे, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8. तो आंसर आपका आएगा 12 अपॉन 1 और 12, ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, 3 अपॉन 7 इंटू 7, 3 अपॉन 7 इंटू 7. इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा, 3 इंटू 7 कर दीजिएगा अपॉन 7, 21 अपॉन 7 ये आएगा. अब 7 की टेबल पढ़िएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं और इसको आप 3 भी लिख सकते हैं.